सभी माननीय सदस्य जो जरूरी बात होती है उस पर प्रस्ताव में रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। एजेंडा आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया है? एजेंडा की जरूरत हम लोग महसूस भी नहीं करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव आज फिर नहीं दिख रहे हैं, वो रहे या न रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी को हमको उम्मीद है कि आज रहेंगे वो, और वो दिल्ली से आ रहे हैं, और नहीं भी रहेंगे तब भी यहाँ नेता है राबड़ी देवी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी, और तेजस्वी के भी गार्जियन और हम सब के भी गार्जियन श्रीमती राबड़ी देवी है। मतलब तेजस्वी के नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं है? मैडम है तो है, पार्टी तेजस्वी के नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी चलती रहेगी? पार्टी चलिए रही है, देखिए रहे, आगे भी चलेगी। क्या आप लोगों को सूचना दी गई है आज के बैठक के बारे में, क्या कहा गया? 12 बजे 10 नंबर में राबड़ी जी के आवास पे यहाँ मीटिंग रखी गई है, उसमें सभी लोगों को कहा था। वजह कुछ एजेंडा बताया गया किन मुद्दों तो जाने के बाद पता चलेगा अंदर कि मीटिंग किस लिए बनाया गया है, क्या कारण है, तो ये निकलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा अच्छा, तेजस्वी यादव आज नहीं दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि तेजस्वी के नहीं रहने से बहुत फर्क पड़ेगा पार्टी में? अब हम लोग तो लालटेन का झंडा थामे हुए हैं, लालटेन का झंडा लालू जी का झंडा है हम लोग के हाथ में है, उस पार्टी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी जी उसी झंडे को थामे हुए हैं जिस झंडा को हम थामे हुए हैं। लालू जी के जो बताए हुए रास्ते पे सभी को चलना, हम हैं या कोई भी है, तो हम लोग लालू जी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी को देखते हैं। विधायक दल के नेता तो तेजस्वी ही है ना? बिल्कुल है, आज भी है, लेकिन मीटिंग जो बुलाया गया है, जो राबड़ी जी के आवाज़ से बुलाया गया, 10 नंबर बुलाया गया, अब तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। बैठक की जानकारी तो है, लेकिन सर तेजस्वी यादव जी को क्या निमंत्रण दिया गया है बैठक में शामिल होने के लिए? अभी तो अंदर जाएंगे तब ना पता लगेगा, हम तो हमको लोग बुलाए थे, हम आ गए हैं। अच्छा अच्छा सर, तेजस्वी यादव जी के रहने न रहने से क्या कोई फर्क पड़ता है पार्टी को? पंजाब के नीचे अभी जो ये काम है यह सदस्यता अभियान के लिए बैठक है, इसलिए इस बैठक में आज के दिन कोई जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी आज बैठक में हम लोग महसूस करेंगे तो उनको फिर तुरंत बुला लेंगे। नहीं तो बैठक सर 9 तारीख को भी बैठक थी, उसमें भी नहीं आए थे, उनको सदस्यता अभियान की शुरुआत करनी थी, आपको लगता है कि उनके नहीं रहने से नहीं 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 लगातार नदारत नहीं है, हम लोग के बीच में हमेशा है, हो सकता है आप लोगों के बीच में। आपकी बात आखिरी बार कब हुई है उनसे? हमको लगता है रोज ही लगातार अभी भी बात हुई है, वहाँ से मिला रहा हूँ। अच्छा सर, तेजस्वी यादव के आने न आने से कोई फर्क पड़ता है? अभी जो कार्य हैं चल रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आवश्यकता होगी तो उस दिन उनको आना ही होगा, पार्टी की आवश्यकता जिस दिन होगी बुलाया। आवश्यकता कब होगी सर? चुनाव के बाद? जब एक राजनीतिक, देखिए दोनों का फर्क समझ लो आप, ये सदस्यता अभियान है और सदस्यता अभियान में केवल मेंबर ही लोगों तक पहुंचा देना है, बाकी तो ये सामान्य कार्यकर्ता इस काम को अपने बूथों पर, अपने प्रखंडों में, अपनी पंचायतों में, अपने जिलों में करते हैं। अब तेजस्वी जी का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर अपना वो काम कर रहे होंगे, करा रहे होंगे, लेकिन आज के दिन इस पूरे चुनाव और सदस्यता अभियान का प्रभारी मैं हूँ, मैं ये काम को कर रहा हूँ। सर उनकी कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है उनकी? जिस दिन जिम्मेवारी बनेगी आप और हम समूह के बीच में मौजूद होंगे वो। ठीक। आज की बैठक जो है वो सदस्यता से संबंधित है और रूटीन बैठक है। तेजस्वी यादव जी आएंगे? ये भाई उससे कोई खबर किया गया है क्या आप लोगों को? नहीं, ये हमारी पार्टी का सदस्यता संबंधित इंटरनल मीटिंग है। अच्छा तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं आ रहा है? आएंगे कि नहीं आएंगे कोई जानकारी? ये सवाल हमसे नहीं पूछ आपके पास नहीं हमारे